ॐ श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधस्मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्घदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वान्यनिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः
மத்தஸ்மிருதிர்ஞானமபோஹனஞ்ச வேதைஶ்ச சர்வைரஹமேவ வித்யஃ வேதாந்த க்ருத் வேத விதேவ சாஹம் த்வாவிமௌ புருஷௌ லோகே ஷரஶ்சாக்ஷர ஏவ ச ஷரஸ் சர்வாணி பூதானி கூட்டஸ்தோக்ஷர உச்யதே உத்தமஃ புருஷஸ்த்வன்யஃ பரமாத்மேத்யுதாஹ்ருதஃ யோ லோகத்ரயமாவிஷ்ய விபர்த்யவ்யய ஈஸ்வரஃ யஸ்மாக்ஷரமதீதோஹம் அக்ஷராதபி சோத்தமஃ அதோஸ்மி லோகே வேதே ச ப்ரதீதஃ புருஷோத்தமஃ யோ மாமேவமஸ்வம் மூடஃ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச ஸர்வவித் பஜதி மாம் ஸர்வபாவேன பாரத இதி குஹ்யதமம் சாஸ்த்ரம் இதமுக்தம் மயா நக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் க்ருதக்ருத்யஶ்ச பாரத ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபநிஷத்சு ப்ரஹ்ம வித்யாயாய யோக சாஸ்த்ரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ஜுன சவ்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோத்யாயஹ.